जी आजकल। प्रिय भांजे और भांजियों, इंस्टाग्राम लाइव पे आपका स्वागत है। पहली बार कर रहा हूं लेकिन इंस्टाग्राम लाइव, और इसलिए इस मामले में तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुम तो इस्तेमाल करते ही रहते हो। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। आइए अनादि शुरू करते हैं। तेरा कोई देखिए मुझे तरफ से लाइव है, उनको रिक्वेस्ट है वो अनादि कट कर खरीद गया है। ओके फाइनली, नमस्ते मामा जी। और नमस्ते नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड कि आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट और ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम लाइव आकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, और भांजे भांजियों से मुझे बात करने का मौका मिलेगा। इतना जरूर अपने भांजे भांजियों से कहना चाहता हूं कि पहली बार इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूं तो मैं भी सीख रहा हूं। इस मामले में तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुम तो लगातार इंस्टाग्राम पर बने रहते हो, इसलिए कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मैं आपको अभी लाइव देख रही थी और आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी है। दिन की शुरुआत जो है हम यूथ मोस्टली क्या करते हैं, व्हाट्सएप चेक करके करते हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूँ आपके दिन की शुरुआत होती है वृक्षारोपण करने से। वैसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी शुरुआत होती है हर रोज। सबसे पहले तो सवेरे जल्दी उठता हूँ, देर से कितने भी सोऊं, लेकिन उठने के बाद फ्रेश होकर पहले अखबार पढ़ता हूँ, इसके बाद बाग करता हूँ, उसके बाद योगा करता हूँ, फिर प्राणायाम करता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, एक्चुअल ध्यान करता हूँ। फिर मेरे पास दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, गाय की बेटियां, उनको मैं रोटी खिलाता हूँ, फिर वृक्षारोपण करने जाता हूँ और फिर बाकी काम से लगता हूँ। बिल्कुल, और मुझे याद है कि मेरा सौभाग्य था कि मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लांटेशन किया था और आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई थी कि बचपन में आप किस तरह से पेड़ों से जुड़े थे और किस तरह से गेम खेलते थे उनके साथ में। अच्छा, युवाओं को मामा जी किस तरह से हम जोड़ सकते हैं कि वो इसमें और भागीदार बने प्लांटेशन में, वृक्षारोपण में? हमने अंकुर करके पोर्टल बनाया, और मैं ये मानता हूँ अकेले मेरे वृक्षारोपण करने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा, इसमें सबको लगना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन पर जरूर पेड़ लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी पर पेड़ लगाएं, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने के अवसर ढूंढें। लेकिन मेरी अपील है कि कम से कम जन्मदिन के दिन तो जरूर पेड़ लगाएं। पेड़ केवल लगाएं नहीं, तो पेड़ को बचाएं भी। इसलिए अंकुर पोर्टल पे पेड़ जब लगाते हैं तब अपलोड करते हैं, 30 दिन के बाद फिर अपलोड करते हैं, और 75 डेज के बाद फिर अपलोड करते हैं, ताकि पेड़ लगे भी और पेड़ बढ़े भी बचे भी। बिल्कुल, एक चीज और जो मैं हमेशा देखती हूँ, आपका कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो आप ना एक आपने बच्चियों को
लाडली बना दिया, हमारे मध्य प्रदेश में बेटियां जो है वो लाडली बन गई है। और आप कोई भी कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है ना मामा जी, वो कन्या पूजन से करते हैं, उनकी ब्लेसिंग से शुरुआत करते हैं, जो कि मुझे देखकर या हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी लोग हैं और भारत के जितने भी लोग हैं, मैं भारत के बाहर जब जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि अनादि तुम्हें क्या चिंता, तुम्हारे पास तो माँ माँ है, माँ की ब्लेसिंग ही यूनिवर्स में बहुत बड़ी होती है। और कोई डरने की बात नहीं है, सब लोग यही बोलते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं। तो ये इसके बारे में जानना चाहूंगी मामा जी आपसे कि ये जो कन्या पूजन की शुरुआत आपने की है, जो अपने आप में एक अनोखी शुरुआत है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे देश में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां माँ बहन और बेटी को मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। ये समाज को मैसेज है, एक संदेश है कि बेटियों के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए बेटियों का आदर करो, सम्मान करो और बेटी को भी आने दो। इसलिए मैं खुद बेटी के पूजन से, कन्या के पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, ताकि समाज को ये मैसेज दे सकूं। बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रही हूं कि हमारे पास दो माँ है, डबल पावर है, मामा जी का डबल पावर। और जैसा कि आपने बेटियों को लाडली बना दिया है, तो लाडली लक्ष्मी योजना जिसकी शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितनी अच्छी शुरुआत की है, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। एक और चीज, लाडली बहना योजना, इसकी भी शुरुआत की है, और इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। इनफैक्ट मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है जो आती है, वो भी जानना चाहती है। लाडली लक्ष्मी तो आप जानते हैं, इसलिए लाडली लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बेटी बोझ नहीं बने, बेटी वरदान बन जाए, और मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसलिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बाकी व्यवस्थाएं इस योजना के अंतर्गत होती है, लेकिन लाडली बहना भी महिला सशक्तिकरण का मेरा एक अभियान है। अगर माँ सशक्त है, घर में बहन सशक्त है, तो परिवार सशक्त है, परिवार सशक्त है तो प्रदेश सशक्त है, और प्रदेश सशक्त है तो देश सशक्त है। मेरी मान्यता है अनादि कि अगर बहन के खाते में, बहना के खाते में, बहना मतलब जो विवाहित होकर अपनी ससुराल चली गई, बहना के खाते में अगर हर महीने पैसे आएंगे, तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, वो पैसे का सबसे पहले उपयोग करेगी अपने बेटा बेटी को तंदुरुस्त रखने के लिए। वो दूध खरीद के लाएगी, वो बच्चों को फल खिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, दाल लेके आएगी, कोई और जरूरत की चीज है, घी दवाई, वो लेके आएगी। और इसलिए ये योजना है परिवार को समृद्ध करने की, परिवार को सशक्त करने की। इस योजना के अंतर्गत हम अपनी गरीब बहनों को, लोअर मिडिल क्लास की बहनों को जो मजदूरी करती है, या छोटे किसान परिवार से आती है, या और किसी कारण से आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालेंगे, 12 महीने में 12,000 रुपया। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी बहनें इस पैसे का उपयोग अपने परिवार को सशक्त करने में करेंगी। मामा जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इंस्टाग्राम लाइव पर, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और आपको बहुत सारे लोग राम राम भी बोल रहे हैं, यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी तरफ से भी राम राम, नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि एम्पावर आप करते हैं, सशक्त करते हैं महिलाओं को, और कोई भी देश प्रगति करता है तो अगर देश की महिलाएं उन्नति करती हैं, एम्पावर होती हैं, तो वो देश आगे बढ़ता है। बात करें मामा जी, बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, और उसमें एक मैसेज और आया है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप पूरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मामा जी हैं, तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, थोड़ा रिवाइंड करें, तो मध्य प्रदेश के मामा जी का बनने का जो सफर है, भांजे भांजियों का जो सफर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानना है। ये लाडली लक्ष्मी योजना से ही हुई। मैंने एक योजना बनाई जिसके बारे में आप जानते हैं कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसलिए बेटी के खाते में 30,000 रुपया जन्म लेते ही हम डाल देते हैं, और पढ़ाई के समय उसको 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं में जाए तो फिर 6,000, 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री पाए तो 12,500, और जब 21 साल की हो जाए तो 1,00,000 मिल जाए, लखपति बेटी हो हमारी। तो इस योजना को बनाने के बाद फिर हमने ये भी कहा, बेटियां अगर
स्कूल जाएगी तो किताबें निःशुल्क, आठवीं तक यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल निःशुल्क, कई तरह की सुविधाएं दी। तो सबसे पहले बेटियों ने कहा ये तो हमारे मामा हैं, तो पहले पहले बेटियों ने कहा मामा है, फिर बेटों ने भी मामा कहना शुरू किया, और अब तो अनादि जी हालत हो गई है कि बूढ़े भी मुझे मामी कहते हैं। माँ मतलब जिसके मन में बेटियों के प्रति दो दो माँ का प्यार हो, माँ माँ वो मामा। बिल्कुल सर, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिनमें से पहला मैसेज मैं ले रही हूँ विवेक त्रिपाठी जी का, और वो कह रहे हैं कि मामा जी आप मुझे मोटिवेशन दीजिए, कुछ ऐसी बात जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मतलब विवेक त्रिपाठी जी को। विवेक मैं मोटिवेशन प्राप्त करता हूँ गीता जी से और स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द सारे युवा रट ले और आत्मसात कर ले, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। दुनिया में कोई काम तेरे लिए असंभव नहीं है अगर तू अपने आप को पहचान ले, अपनी क्षमताओं को पहचान ले। इसलिए अपने आप को आत्मविश्वास से भर के आगे बढ़ो, लक्ष्य तय करो, सफलता प्राप्त करोगे। ओके, अच्छा मामा जी, अमित जी पूछ रहे हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और एक्टर कौन है फेवरेट। एक फिल्म मैंने बचपन में देखी थी काफी दिनों पहले, परिचय, मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं केवल एक का जिक्र नहीं करूंगा। एक में संजीव कुमार जी ने 9 भूमिकाएं निभाई थी, 9 रस की, तो वो अद्भुत फिल्म लगी थी। मेरे फेवरेट कलाकार अगर कोई है तो वो है संजीव कुमार, और अगर एक्ट्रेस की बात करें तो जया भादुरी। वाओ, और वो तो हमारे भोपाल की है, अपने भोपाल की बेटी है। बिल्कुल मामा जी, बहुत सारे लोग ना रोजगार की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं सरकारी जॉब्स या और भी दूसरी चीजें, तो इस पर आप क्या कहेंगे। 1,14,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी हैं, कई बच्चे उसमें लाखों बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके बाद और हम शासकीय सेवा में भी जितनी आवश्यकता होगी हम लगातार पद निकालते चले जाएंगे, लेकिन शासकीय के अलावा अशासकीय सेक्टर भी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जिसमें 1,00,000 से लेकर 50,00,000 रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मामा लेता है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम देते हैं, उसके अंतर्गत आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टार्टअप्स के लिए हमने नई नीति बनाई है जिसमें 1,00,00,000 रुपए तक की सहायता, अगर इनोवेटिव आइडिया आपके पास से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार देगी। अगर कहीं आपको रेंट पर कोई स्पेस लेना है तो उसके रेंट पे भी हम कुछ हिस्सा देंगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग करने का भी काम करेंगे। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में निवेश आए। अभी पिछले दिनों मध्यप्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें 15,42,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, और खुशी की बात है ये केवल प्रस्ताव नहीं है, आज ही एक फैक्ट्री का शिलान्यास मैं करने वाला हूँ यहाँ से उठने के बाद। तो लगातार उद्योग लग रहे हैं, TCS, इंफोसिस जैसी कंपनियां, टेक्सटाइल के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में लगातार निवेश आ रहा है। उस निवेश से रोजगार भी मिलेंगे और बच्चे चाहे तो खुद उद्योगपति भी बन जाए। स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने चलाया हुआ है, स्किल्ड मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं। तो इसमें हम स्किल्ड मैन पावर तैयार करके अपने देश में, प्रदेश में और दुनिया में भी जॉब्स मिले उसकी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें से इंस्टाग्राम पर कुछ अलग अलग नाम से आते हैं, तो इनोसेंट छोरा सिड जो है ये कह रहे हैं कि मामा जी रॉक्स, और कैलिफोर्निया से भी एक मैसेज आ रहा है कि आपके मामा जी मुझे बहुत पसंद है और मैं इनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, मेरे पास एक मैसेज आया है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इससे रोजगार कैसे सुनिश्चित हो, कैसे तय होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास निवेश के प्रपोजल्स हैं वो 15,42,550 करोड़ रुपए के टोटल हैं, उससे लगभग 29,00,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, वो हम जमीन पे उतार पाते हैं तो, और हम उनको जमीन पे उतारने के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। और
चेतन जाधव जो है ये पूछ रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है वो कैसे योगदान देते हैं, किस तरह से होता है। देख, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी देखिए हमारे आदर्श हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आपदा को अवसर में बदलने के लिए, कोविड के दौरान कहा। तो तुरंत मैं उस समय एडमिट था अस्पताल में कोविड के कारण, मेरे दिमाग में तुरंत आया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चार पिलर हैं। नंबर एक, इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश में सड़कों का हमने शानदार जाल बिछाया है, लेकिन अब नर्मदा एक्सप्रेस वे हम बनाने वाले हैं, अटल एक्सप्रेस वे चंबल ग्वालियर संभाग में हम बनाने वाले हैं, और इन दोनों की तरफ हम अलग अलग क्रिएट करेंगे। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, टाउनशिप, अलग अलग तरह की चीजें हम क्रिएट करने का काम करेंगे। तो एक अधोसंरचना का विकास। नंबर दो, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में अगर आप एजुकेशन में देखेंगे, सीएम राइज स्कूल एक नई कल्पना है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, आपके लैब, लाइब्रेरी, हाँ स्मार्ट क्लास में बैठ के आपको दिल्ली, मुंबई, भोपाल से भी कोई पढ़ा सके, उसकी व्यवस्था। तो शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रबंध, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में है। गुड गवर्नेंस, जिसके लिए हमने अनेकों कदम उठाए हैं। और इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये चार पिलर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ये चारों पर काम पूरा कर रहे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। विकास गोपाल नर्मदापुरम, जहां से मैं भी हूँ, तो वहां से आपको प्रणाम भेज रहे हैं बहुत सारे लोग। प्रणाम, प्रणाम सबको, प्रणाम विकास को भी प्रणाम। मामा जी, एक और सवाल है, ये ना बड़ा मतलब फिल्मी सवाल है। एक नायक फिल्म थी जिसमें कॉन्सेप्ट था एक दिन के सीएम, तो रौनक दुबे पूछ रहे हैं कि मामा जी मुझे एक दिन का सीएम बना दो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरे फेवरेट सीएम तो आप ही हैं। बेटा, बट वो फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से हमको सीखना ये चाहिए कि हम एक दिन में भी चीजें बेटर कैसे कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि फिल्म और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है, लेकिन सीएम बनना तो एक दिन का काय के लिए बनना, बनो तो मेहनत करो, परमानेंट सीएम बनो, कोई भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परिश्रम करता है लक्ष्य तय करके, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बनना तो एक दिन के लिए क्या बनना, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो, मुझे लगता है कि एक दिन सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और मैंने आपको देखा है, आप मुझे लगता है कि 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद ही आप लेते हैं, ठीक से खा भी नहीं, मतलब खाना भी मैंने आपका देखा कि आप डिनर भी ठीक से नहीं कर रहे थे अभी एक दो दिन जब मैं आपसे मिली तो। मामा जी, शैलेश जो है ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन भर बिजी रहते हैं तो फ्री टाइम में क्या करते हैं, मतलब हम तो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, आप क्या करते हैं। तो देखो, आपने कहा कि आपको टाइम नहीं मिलता खाने का, तो फ्री टाइम बचा कहाँ। लेकिन फ्री टाइम मेरे पास होता है तब जब मैं बाय रोड सफर करता हूँ। रात में अगर इंदौर से भोपाल आना है तो मेरे पास 2.5 घंटे होते हैं, और इस समय का उपयोग, अगर एक तो फोन पर बात करनी पड़ती है कई बार, लेकिन सबसे बेहतर उपयोग है गाने सुनना। मैं मानसिक रूप से जब ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा समय मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कोई गाना सुन लिया जाए, तो मेरी गाड़ी में फिर मैं गाना सुनता हूँ। ओके, श्रेया जो है इनका मैसेज आया है कि क्या आप घर पर भी कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं। नहीं नहीं, आज भी हमने कुर्ता पैजामा नहीं पहना, पैंट शर्ट पहनी मामा ने। अक्सर बाहर जाते हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन घर में तो कई बार कार्तिक कुणाल बेटों की तरह कई बार पैंट भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, तो अलग अलग चीजें पहनते हैं। बिल्कुल। मामा जी, विकास लाल यादव जो है इनका सवाल है कि अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाएं। इससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि आपके जो दोस्त हैं, एक राजीव जी जो हैं, वो बताते हैं कि आप ना स्कूल में हमेशा जब भी स्पीच कंपटीशन होता था तो आप ही विनर बनते थे, ये उन्होंने मुझे बताया था। बोलते हैं मैं भी अच्छा बोलता था लेकिन विनर तो वही बनते थे, इतना अच्छा बोलते हैं। और अभी विकास लाल यादव जो है वो आपके बचपन के कुछ किस्से जानना चाह रहे हैं। देखो, बचपन में मैंने किताब में पढ़ा कि भगवान को हमको प्राप्त करना है तो उनकी
तपस्या करनी पड़ती उनके लिए, तो मैं ध्रुव और प्रह्लाद की तरह भगवान की गोद में बैठना चाहता था। तो कई बार मैं बचपन में अपने गांव के आसपास जंगल था, पहले खेत में भी घास के लिए जंगल होता था और पेड़ भी होते थे, और नर्मदा जी के किनारे मेरा गांव है, वहां कई बार मैं बैठता था और पूजा करता था और ये कोशिश करता था कि भगवान आ जाए और मुझे गोद में बैठा ले। ऐसे अनेकों किस्से हैं। हम लोग बचपन में गांव के खेल खेलते थे, उनमें से एक था आती पाती। आती पाती का मतलब यह है कि आप किसी पेड़ की पत्ती लेके आओ और जो दो टीम होती थी, एक टीम छुपती थी तो पेड़ का पत्ता लाके आपको ढूंढना पड़ता था। अक्सर ये होता था कि गांव में जो पेड़ होते थे उनकी पाती लाने का बोलते थे। एक दिन हमको शरारत सूझी तो हमने सोचा ऐसा पेड़ देखो जो गांव में मिले ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो हमने कह दिया आती पाती अचार की पाती। अब अचार का पेड़ 2 किलोमीटर दूर था, तो बच्चे गए अचार की पाती लाने और हम लोग घरों में जाके सो गए। 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, उसी में शाम हो गई। बिल्कुल मामा जी, प्रणव जो है ये जानना चाहते हैं कि आपके रोल मॉडल जो है वो कौन है? जिनको मैंने पढ़ा और जिनसे मैंने सीखा, मैंने दो चीज बताई, स्वामी विवेकानंद जी, गीता जी। पर आज अगर मैं कहूं तो रियली मैं ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, काम करने के लिए अगर मैं किसी की तरफ देखता हूं तो वो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में उनने अपने आप को झोंक दिया है। एक एक क्षण अगर उनका जाता है तो इसी काम के लिए जाता है, तो मुझे लगता है कि यह भारत का सचमुच में प्रगति और विकास का स्वर्ण काल है। पूरी दुनिया में भारत का जो मान, प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ रही है, हमें गर्व होता है। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन अब भारत आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करता है। वैक्सीनेशन के मामले में आप देख ले, हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की, टास्क फोर्स मोदी जी ने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने, नहीं तो हम तरसते थे दूसरे देश से वैक्सीन आए और 10-15 साल बाद कोई वैक्सीन हमारे पास आती थी। लेकिन कोविड आई, टास्क फोर्स बनी, वैक्सीन बन गई, केवल भारतीयों को नहीं 200 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को तो लगाई गई मोदी वैक्सीन, जिसके कारण जान बची। लेकिन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भारत की वैक्सीन भेजी गई, हमने दुनिया के प्राण भी बचाए। बच्चे मेरे ये जानते हैं भांजे भांजी, यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय हमारे बच्चे फंस गए थे यूक्रेन में, तब प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी फोन किया कि भाई युद्ध रोक दो, भारत के बच्चे आ रहे हैं, तिरंगा झंडा लेके हमारे बच्चे निकले। तो रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया, हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। केवल हमारे नहीं, हमारे बच्चों के पीछे बांग्लादेश जैसे देशों के बच्चे भी निकल आए। एक अद्भुत स्थिति आज भारत की है, और इसलिए आज अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं साफ कहता हूं कि मोदी जी हमारी प्रेरणा है। बिल्कुल, और मामा जी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें मैं जितना मेरे पास आ रही है चीजें मैं जितना पढ़ पा रही हूँ। तो एक सवाल और है अजय जी का, और वो जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गाना आप सुनते हैं और थोड़ा सा गुनगुना दे। एक नहीं, ऐसे तो कई है, लेकिन एक गीत जो मैं बहुत, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ओरी चुनरिया आत्मा मेरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नैना मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। मन्ना डे का ये गीत अद्भुत लगता है। लेकिन एक गीत और जो मुझे प्रेरणा देता है, किशोर कुमार जी का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही। लेकिन एक और मैं बताता हूं मुकेश का, और मुकेश के उस गीत से भी मैं प्रेरणा, मुकेश जी के उस गीत से भी मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूं। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद मैं नहीं तू नहीं ये नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं रहता है, ए भाई जरा देख के चलो,
वाओ, ये तीनों सॉन्ग्स बहुत प्रेरणादायक हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और है कि मामा जी, आपने जनहित में कई सारी स्कीम्स जो हैं, कई सारी योजना जो है ये बनाई है, जैसे कन्यादान योजना है, तो इस योजना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने देखा कि बेटा और बेटी में भेद होता है। माँ भी बेटे से ज्यादा प्यार करती है, बेटी से कम लाल करती है। एक जमाना था, परिस्थितियां बदल गई है। घर में पैदा हो तो बेटा ही, और उसके कारण अनादि सेक्स रेशियो बदल रहा था। कई बार अगर बेटी कोख में आ गई तो कोख को भी कत्ल खाना बना दिया गया। पता चल गया कि बेटी आई तो दुनिया में आने के पहले ही पैदा कर दो। ये घोर पाप था, मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। एक जगह मैं बोल रहा था, छोटा था, मैं किसी पद पर नहीं था, कि भाई बेटी को भी आने दो, बेटी है तो कल है तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंजाम क्या तू करवाएगा। तब मुझे लगा कि यार बात सही है, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैं जब MLA बना तो अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी करता था। मैं MP बना, मेरी शादी हो गई साधना जी के साथ। तो फिर मैंने और साधना दोनों ने मिलकर तय किया कि संसद का जो वेतन के वेतन नहीं भत्ता जो बच आता है उसको हम बेटियों की शादी में लगाएंगे। तो कुछ मित्रों के साथ मिलके मैं अपना भत्ता लगा के बेटियों की शादी करने लगा। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मैं अकेला कितनी शादी करता, मुख्यमंत्री बनते पहली योजना बनाई तो वो मैंने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें तय किया कि गरीब बेटियों की शादी मम्मी पापा पर बोझ नहीं होगी। मामा मुख्यमंत्री बन गया है तो हम सरकार की तरफ से शादी करवाएंगे। तो मास मैरिजेज हमने अरेंज करना शुरू की और उसी के बाद निकली लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने सेक्स रेशियो बदल दिया है। अनादि 2012 तक 912 बेटियां पैदा हो रही थी 1000 बेटों पे, लेकिन ये लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह जैसी योजनाओं का ही परिणाम है कि अब 956 बेटियां पैदा हो रही 1000 बेटों पे, और ओवरऑल सेक्स रेशियो जो केवल 933 था वो बढ़ के हो गया है अब 976, 1000 पुरुषों पे 976 स्त्रियां, और ये बराबर करके मैं चैन की सांस लूंगा। बिल्कुल। और एक चीज और वो ये कि हिम्मत पाटीदार, इनका मैसेज मैं देख रही हूँ और ये कह रहे हैं कि मामा जी मध्य प्रदेश जो है वो नंबर वन कैसे बनाए, वैसे स्वच्छता में नंबर वन है। कि मैं कई चीजों में बताऊं, आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट है 19.76% करंट प्राइज एज पे नंबर वन पे है। स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर एक पे है। अगर आप अलग अलग पैरामीटर्स में भारत सरकार की योजनाओं में देखें तो दर्जनों योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, हमारी एक नहीं टूरिज्म की जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश आज भी नंबर एक है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते, कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको हमको तेजी से ठीक करना है, और उस दिशा में भी अनेकों योजनाएं बना के हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य रखा है। हमने एक चीज और की है कि अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज भी जुड़े। जैसे स्वच्छता में नंबर एक इंदौर है तो समाज का भी योगदान है। तो इंदौर नंबर एक हो सकता है तो बाकी गाँव क्यों नहीं हो सकता, बाकी शहर क्यों नहीं हो सकता। जल संरक्षण का काम हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते, पेड़ लगाने का काम हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्यों का भी पालन हम करें, समाज और सरकार की योजनाएं मिलके मध्य प्रदेश को नंबर वन बनाएगी। कई मामलों में मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश नंबर वन है। अब हम टाइगर स्टेट है, नंबर वन है, लेपर्ड स्टेट हो गए, लेपर्ड्स के मामले में संख्या में हम नंबर वन है, बल्चर स्टेट है हम, हरियाल स्टेट है हम, और अब तो हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। और 18 तारीख को अनादि 12 चीते और आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। अभी पहले नामीबिया से आए, अब दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं। तो अब हम चीता स्टेट भी हैं, एशिया में और कहीं चीता नहीं है। कई चीजों में हम नंबर एक है, कहीं में अभी होना है। बिल्कुल। और मामा जी मैं तो एनिमल लवर हूँ और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और चीते आ रहे हैं। मामा जी सौरभ धाकर जो है वो जानना चाहते हैं, वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ, आपकी सफलता का राज क्या है, क्या कारण है ये बताएं। सौरभ देखिए, आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको करना क्या है, लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप पर चलिए। उसके लिए घनघोर परिश्रम करना पड़ता है। कई बार आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते कि जब चाहो आराम कर लो, जब चाहो मस्ती कर लो। मैंने बचपन की मस्ती नहीं देखी, जो तय किया उसको पूरा करने में जुट गया
आप अगर परिश्रम पूर्वक, और मैं कहता हूं कि एक दीवानगी के जुनून तक अगर आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक शिष्य को एक बाबा जी, शिष्य ने कहा मुझे भगवान के दर्शन कराओ। बोले तुम्हारी इच्छा है? बोले हाँ मेरी है। बोले नहीं, अभी इच्छा कैसी होती है मैं बताता हूँ। एक नदी में ले गया और कहा डुबकी लगाओ। जैसे शिष्य ने डुबकी लगाई, बाबा ने गर्दन पकड़ के पानी में गर्दन दबा दी, तो बच्चा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। आधे मिनट के बाद बाबा जी ने छोड़ा, बच्चा ऊपर आया, कहा कैसे गुरु हो तुम, तो मेरे प्राण लिए ले रहे थे। बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, जब पानी में डूबे थे, तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम्हें क्या लग रहा था? अरे क्या लग रहा था, एक ही चीज लग रही थी, कैसे बाहर निकलूं? बोले जब इतनी जैसे उस समय बेचैनी हो रही थी, कैसे बाहर निकलूं? जब उतनी इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की होगी, तब तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बेटा बेटियों, इतनी इच्छा शक्ति अगर किसी स्थान पर पहुंचने की होगी, लक्ष्य तक पहुंचने की, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव हो जाए। बहुत बहुत मोटिवेशनल स्टोरी, और वाकई में ये बहुत सही बात बोली है। मामा जी, अंशु जो है ये ना आपको कह रहे हैं कि मामा जी आई लव यू, और आप 5 साल में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए? तो अंशु जी ने आपको कहा है आई लव यू। आई लव यू टू अंशु। देखो हम अब एक स्टेप आगे और जाएंगे। जैसे अब हम इंफ्रा की बात करें, तो अभी तक हम रोड नेटवर्क की बात करते थे, पुल पुलियों की बात करते थे, अब हम और इंफ्रा का विस्तार करते हुए मेट्रो के सेक्टर में जा रहे हैं, हम नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हेलीपैड्स हम बनाएंगे, सड़क पे अब हम नहीं चलेंगे, कई जगह हम आसमान का उपयोग करेंगे। जैसे उज्जैन में स्टेशन से महाकाल महालोक जाना है तो आपको वहां रोप वे केवल कार मिलेगी, जिसमें बैठ के आप केवल कार से वहां पहुंच जाएंगे। तो हम एक नई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, नए नए टाउनशिप्स बनाएंगे, नए एक्सप्रेस हाईवेज बनेंगे, जिन पे हम अलग अलग इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाएंगे। हम अलग अलग आईटी सेक्टर से लेके स्टार्टअप तक, मेरे बच्चे स्टार्टअप में कमाल कर रहे हैं। आपको पता है 2600 से ज्यादा स्टार्टअप हो गए, जिसमें से यूनिकॉर्न भी बन गया है। तो हम अलग अलग सेक्टर में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेंगे, स्किल्ड मैन पावर तैयार करेंगे, जो पूरी दुनिया में धूम मचाएगी। आज हम और किसी ताकत के बल पर दुनिया में राज नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान के बल पर हम दुनिया में राज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर कमाल कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में भारत का ही तो टैलेंट छाया हुआ है। तो हम अपने टैलेंट को कई अवसर कैसे मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, अनेकों योजनाएं हैं। और अगर एक शब्द में कहें तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसी का हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। एक और चीज जो कि बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि लाडली बहना योजना क्यों, लाडली भाई योजना क्यों नहीं? मैंने बताया कि बेटा और बेटी में ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है, पहले नंबर एक। नंबर दो, मैंने बताया सेक्स रेशियो कितना गिर गया था। क्या ये दुर्गति होनी चाहिए बेटियों की या बहनों की? ये दुर्गति होनी चाहिए कि पति के मन में जब आया डांट दिया, जब आया मार दिया? ये होता था गांव में, आज भी कई जगह घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भांजो, चिंता मत करो रे, भांजों के साथ साथ भांजों की भी चिंता कर रहा हूं। और इसलिए पहले भांजों को साइकिल दी, फिर भांजों को भी साइकिल देना शुरू कर दिया। लैपटॉप अगर 12th में देता हूं अच्छे नंबर लाने पे, तो 75% भांजे लाए चाहे भांजी लाए, दोनों को देता हूं। और मेरे बेटो, केवल इतने नहीं है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बेटों के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है। 2,37,000 से ज्यादा बेटा बेटियों की अभी भी हम मेडिकल इंजीनियरिंग जो विशेष कोर्स है, जिनमें कई की फीस तो 62-62 लाख है, वो भी तुम्हारा मामा भरवाने का काम कर रहा है। जॉब्स का इंतजाम कर रहे हैं, तो बेटियों के लिए भी कर रहे हैं, बेटों के लिए भी कर रहे हैं। तो बाकी जितनी योजनाएं हैं सब में, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार के इंतजाम में, मेरे लाडले भांजो तुम भी शामिल हो, तुम्हारा भी मामा हूं, तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये बात सुनकर सारे भाई लोग जो हैं वो भी हैप्पी हो गए होंगे। मामा जी, एक और चीज की आपकी लव जो है, अगर हम बात करें तो लव अरेंज मैरिज जो है, अजय यादव पूछना चाहते हैं आपकी लव अरेंज मैरिज के बारे में।
देखिए मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, हरेक को करना चाहिए, लेकिन मैरिज अरेंज की मेरे माता पिता ने, मेरी माँ तो बचपन में चली गई थी, पिताजी मेनली, तो कुल मिला के मैरिज हो गई। तो मैरिज इसलिए होती है कि पति और पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग रहे, प्रेम रहे, प्रेम के प्रकार संबंध रहे। कई बार हम देखते हैं जब कुछ लोगों में दरारें पड़ती है या घर के बारे में सुनते हैं तो मन में थोड़ी तकलीफ होती है। शुद्ध सात्विक प्रेम अगर आप करते हो तो वहां फिर मतभेद और झगड़ों को कोई स्थान नहीं, और होता भी है तो वो प्रेम से सुलझ जाता है। ये बात सच है कि मेरी मैरिज अरेंज है, लेकिन मैंने उसको लव मैरिज में परिवर्तित कर दिया। हम पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और पत्नी मेरे पीछे हर काम के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है, मिलके काम करते हैं और वो मेरी ताकत भी है इसमें, ये कहने में मुझे कोई कोई भी दुविधा नहीं। बिल्कुल। और इंस्टा लाइव का ये मेरा एक आखिरी सवाल कि जितने भी पूरा मध्य प्रदेश या जहां जहां से इस वक्त इंस्टा लाइव देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जीवन बड़ा अमूल्य है, ये जीवन गंवाने के लिए नहीं है, ये जीवन केवल पेट भरने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती ना करो, आप मौज भी करो, मस्ती भी करो, खेलो भी, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिए बेटा बेटी, ये जरूर सोचना। कितने साल हम जिएंगे? मैं कोई निराशा की बात नहीं कर रहा। एक और मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद ध्यान रखना हमेशा, मैं ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको महाभारत का वो प्रसंग कई बच्चों को शायद पता हो, युधिष्ठिर पांच पांडवों में से एक थे, अपने पांचों भाई और अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो बीच में प्यास लगी तो पानी लेने एक एक भाई को भेजा। वो पानी लेने गए तो यक्ष सवाल पूछता था और कहता था कि मेरा सवाल का जवाब दिए बिना अगर पानी पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो बाकी ने नहीं माना तो चार भाई की मृत्यु हो गई। जब युधिष्ठिर गए और पानी पीने की कोशिश की तो यक्ष ने कहा पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो कई सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से किए, उनमें एक सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। हम पैदा होते हैं, बचपन में खेलते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे आते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं और अंततः हम मर जाते हैं। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अंतिम सच है, लेकिन इसके बाद भी व्यवहार हम ऐसा करते हैं जैसे सदैव इसी दुनिया में रहना है, कभी जाना नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरे बच्चों ये जीवन मिला है 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, जितने साल के लिए भी मिले, इसको उद्देश्यपूर्ण जियो, केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, ऐसा जीवन जो दूसरों को भी कुछ दे दे, वो जीवन ही उद्देश्यपूर्ण होता है, तो तुम उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। बहुत ही स्पिरिचुअल आपने ये मैसेज दिया है और मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने इतना टाइम दिया इंस्टाग्राम लाइव और अब आप आते ही रहेंगे अपने भांजे भांजियों से लाइव। मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर कभी जरूर आऊंगा अपने भांजे भांजियों से मिलने। मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू भांजे भांजियों, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे मामा का तुम्हें प्यार भी है और आशीर्वाद भी। थैंक यू सो मच मामा जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनादि, आपने मेरे भांजे भांजियों से मेरी बात करवाई जी। नमस्कार।